हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे किचन में ये बहुत ही स्वादिष्ट वाली टेस्टी वाली सब्ज़ी बनी है, जो कि है बटर गार्लिक कैप्सिकम पनीर। ये वाला पनीर अगर आपने बना लिया, वो भी 20 मिनट में, बहुत ही झटपट से बन जाती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना ही पड़ेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहीं तो अपनी पसंद के लिए बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी है ये रेसिपी और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। 20 मिनट में बन करके रेडी हो जाती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये लाजवाब सी बटर गार्लिक कैप्सिकम पनीर। आज मैं अपनी फैमिली के लिए उनकी झटपट डिमांड पर एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो आमतौर पर जब गेस्ट आ जाते हैं तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी इजीली अपने गेस्ट को खुश कर पाए। बहुत ही इजी रेसिपी है, इजी से इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 6 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लेकर इनको इस तरह से लंबा लंबा चॉप कर लिया है। बहुत फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो स्क्वायर्स भी कट कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक प्याज को भी इस तरह से स्लाइस कर लिया है, दो बारीक काट लिए हैं प्याज, इस तरह बिल्कुल जैसे हम तड़के के लिए काटते हैं। यहाँ पर लिया है गार्लिक यानी कि लहसुन, लहसुन खूब सारा लेना है जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखेंगे तो यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ हैं। और एक हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने पनीर, जो कि 250 ग्राम पनीर है, उसको इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट किया है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसी के साथ यहाँ पर 2 टमाटर का पेस्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे हम। और यहाँ पर है खड़े मसाले, जिसमें आधी मोटी वाली जो इलायची है वो है, 5-7 काले मिर्च, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा है। इतनी टेस्टी रेसिपी है और इतनी जल्दी से बन जाती है कि आप कभी भी बना सकते हैं किसी भी ओकेजन पर। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मक्खन का, मक्खन है। और इसी के साथ यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने, जिससे कि मक्खन जलेगा नहीं और मक्खन का टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। बटर गार्लिक कैप्सिकम पनीर है ये बेसिकली। जैसे ही बटर और ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, आप तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ी अमाउंट में लिए हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। भुनी हुई काली मिर्च इस सब्जी में बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, वो अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे। 20 मिनट में ये सब्जी बन करके रेडी हो जाती है और आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर है अदरक का पेस्ट, आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक भी अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, प्याज के साथ साथ हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे लंबे कटे हुए प्याज, इनसे ये सब्जी में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। प्याज को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा गुलाबी रंग आने पर, जैसा कि इसमें आ चुका है, हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए टमाटर। अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, इसी के साथ हम मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं ऐड करनी है, और 1/2 छोटा चम्मच देगी मिर्च। आपको कलर में फ़र्क दिख रहा होगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इनको अच्छे से मिला करके भून लेंगे, हमने इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस इसी तरह से 1 मिनट के लिए भूनेंगे मसालों के साथ। ज़्यादा नहीं भूनना, कोई ऑयल छोड़ने की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये मसाला सा रेडी हो जाए, बस इसे 1 मिनट के लिए भूनें। यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी है मेरे पास, वो भी ऐड कर रही हूँ, क्रीम के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही मसाला 1-2 मिनट के लिए भून जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे ये 3 बड़े चम्मच मलाई है मेरे पास, घर की मलाई होती है, दूध की वो वाली मलाई है, इसको भी डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मलाई मिक्स करेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच पानी, और इसको एक बार मिक्स कर देंगे।
और इसमें डाल देंगे ये जो हमने शिमला मिर्च कट करके रखी है, इसको डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी सब्जी है, कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसालों का इस्तेमाल किया है, ना बहुत ज़्यादा तला भुना है, बट फिर भी आप यकीन मानिए सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये जो पनीर है, इसको भी डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर को लास्ट में डाल सकते हैं, बट मैं शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसलिए इसी स्टेज पर ऐड कर दिया है मैंने। और अब एक बार इसको मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही सब्जी में बॉयल्स आने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चीनी, सभी फ्लेवर्स को ब्लेंड करने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तभी डालें, अदरवाइज टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया है, मीडियम फ्लेम पर है। 2-3 मिनट के बाद मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, सब्जी देखने में दिख रही है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। गैस बंद कर देंगे। तो इस पे खुशबू के लिए 2 चुटकी गरम मसाला डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सिंपल सी सब्जी है। और इसी के साथ ढेर सारा हरा धनिया, और इसको कर देंगे मिक्स। ट्रस्ट मी, आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, चाहे आप राइस के साथ खाएं चाहे चपाती के। तो गर्मा गर्म सब्जी बन करके रेडी है, तो आइए हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई बटर गार्लिक कैप्सिकम पनीर, देखिए बहुत ही टेस्टी है, एक बार ट्राई करेंगे। तो जब भी आपके घर में मेहमान आएंगे या फिर कोई पार्टी होगी, आप इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनती तो इतनी जल्दी है कि पता भी नहीं लगता, और चुटकियों में बन करके रेडी हो जाती है। और आप देख सकते हैं पनीर भी बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये देखिए बटर गार्लिक कैप्सिकम पनीर, और वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में, मसालेदार चटपटी ही। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे सर्व किया है गर्मा गर्म पराठे के साथ, देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें पनीर, शिमला मिर्च सब कुछ, थोड़े से मसाले के साथ बिल्कुल मसालेदार लटपटी चटपटी कैप्सिकम पनीर, वो भी बटर गार्लिक फ्लेवर में। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट करके लिखना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और कहेंगे तो मैं आपके साथ इस तरह की झटपट वाली और भी रेसिपीज शेयर करूँगी। आप हस्बैंड टिफ़िन में भी भेज सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।